महेश्वर तहसील के ग्राम पंचायत मंदोरी में सचिव और सहायक सचिव मिलकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। जहां सरकार आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहीं स्वच्छता और सड़क निर्माण के नाम पर सरकार के ही कर्मचारी पैसा हड़प रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत मंदोरी का भी सामने आया है, जहाँ सचिव और सहायक सचिव की मिली भगत से 3,86,000 रुपये का सीसी रोड निर्माण की राशि कागजी कार्यवाही करके हड़प ली गई है। यह मामला तब संज्ञान में आया जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर जनपद पंचायत रोड निर्माण के लिए पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि वह जिस रोड की मांग को लेकर जनपद पंचायत पहुंचे, उसे पहले ही स्वीकृत कर राशि प्रदान की जा चुकी है। जब गांव वालों को यह पता चला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब इस मामले में हमारी टीम ने सचिव से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया, और इस मामले में हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा, मैं मेरे व्यक्तिगत काम से बाहर हूं, आपको जो करना हो वो कर लो। महेश्वर तहसील से दिलीप यादव की रिपोर्ट। का पूरा मामला क्या है, जैसे ये रोड बना ही नहीं, उसका क्या मामला है पूरा? ये सीसी रोड स्वीकृत हुआ है 3,86,000 का जी, और एक इसको बोलते हैं, इसका निर्माण कार्य नाम दिया गया है गंगौर घाट से राकेश मोहन के खलिहान तक, और ये कागज पे काम हुआ है। यहाँ फिलहाल की स्थिति में आप भी देख रहे हो, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है जी जी। इसके लिए हमने पंचायत को बोला है, पंचायत वालों ने हमको यही आश्वासन दिया कि हम करवा देंगे, अभी तो कोई कार्य नहीं हुआ। अब वो पैसे कहाँ लगाए क्या के हमको कोई पता है उसके कारण। और उसके बाद हमने जनपद सीओ मैडम को भी आवेदन दिया है, वहाँ से एसडीएम साहब को भी दिया है, कलेक्टर महोदय के वहाँ भी दिया है, जिला जनपद पंचायत सीओ को भी दिया है आवेदन हमारा अभी तक कोई उसका, और सीएम हेल्पलाइन पे भी हमारी शिकायत की भी है इस रोड से। और अभी फिलहाल में आपको क्या क्या समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है, किसानों के इधर पूरी जमीन लगी हुई है, इनको खेती बाड़ी करने में समस्या है, फिर पूरे गांव के खाद्यान्न लेने जाते हैं बुधरी, इसमें वहाँ से भी जाने आने में दिक्कत होती है। तो इसमें और भी कोई दुर्घटना घटी तो नहीं अभी तक? कोई दुर्घटना घटने वाली थी, ट्रैक्टर दो बार के आंधे हो गए जी जी, उसमें कुछ नुकसान हुआ क्या? नुकसान तो ट्रैक्टर का ही हुआ, कोई जनहानि नहीं। एक बेल्ट है यहाँ के, कितने किसानों का खेत जुड़ा हुआ है यहाँ पे? करीबन 50-60 किसान जाते हैं इधर। क्या नाम लिखते हुए? श्रीराम पाटिल। जो ये मामला, ये क्या मामला है पूरा? ये सीसी मामला का ये है कि इन्होंने मंत्रियों ने पैसे निकाल के ना दूसरी जगह लगा दिया, और हम पंचायत में परेशान हो रहे हैं। आपको ये सूचना कब हुई कि ये रोड पैसे निकाल चुके हैं ये पंचायत? ये हमने नगर परिषद में नगर पंचायत में देखा वहाँ पे कि आखिर हो क्या रहा है, तो वहाँ से पैसे निकल चुके थे लेकिन यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ। इसके संबंध में फिर आपने पंचायत से बात करी क्या? पंचायत से बात करी हमने, तो सचिव का बोलना है कि हमने वो पैसे दूसरी जगह लगा दिए। तो उन्होंने आपने उनसे स्टेटमेंट लिया कि भैया दूसरी जगह कैसे लगाया आप लोगों ने? नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं हमको स्टेटमेंट। इसके संबंध में आप ये समस्या के लेकर कहाँ कहाँ गए थे? हम सीओ मैडम के पास भी गए थे, जनपद में भी गए थे, और कलेक्टर के पास भी गए थे। वहाँ से आपको क्या बोला गया कि क्या हो गया क्या नहीं होगा? हमको तीन रोज उन्होंने आश्वासन दे के भेज दिया कि जांच करवा रहे हैं हम, तीन रोज में तुम्हारे कोई भी अधिक बताएंगे, सुन जाएंगे आपकी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ये काम नहीं होता तो आप शासन प्रशासन से और क्या मांग रखते हैं? शासन से हमारी डिमांड। एक रोड आया है हमारे पास संज्ञान में, ये सीसी रोड निर्माण कार्य गंगौर घाट से राकेश मोहन के खलिहान तक, ये रोड बना क्यों नहीं है, क्या कारण है सर? इसमें उस टाइम में जिसके मकान बना था वहाँ पे उनके भगवान पाटीदार, उनको मेरे गिट्टी सीमेंट सब पटवाई के साथ मेरे हाथ और गवाह आए, गाँव वालों को पूछ लेना तुमने की हकीकत में सही है कि गलत है सर। पानी का मौसम था और वहाँ नदी भी है सर, तो वो नदी में कल जाते हैं सर, वही जाए नदी आई जाए तो फिर वही अपनी जी मारे जी मारे, तो इसलिए सर वो हमने जो सजा लिया जो रेती गिट्टी जो सर, तो हमने सर 5 चबूतरे बनवाए उसमें जी। ये चबूतरे बनाए इसके लिए इंस्ट्रूमेंट पहले नया तैयार किया था क्या आप लोगों ने? सर ये मेरे को नहीं मालूम, ये तो आप साहब और मंत्री से पूछो। आप यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि हो ना? हाँ सर। आपको ये लोग वैसे कुछ पूछते नहीं क्या? सर पूछते तो इन्होंने क्या कि सरपंच साहब आया नहीं, मार्ग का ही करा मेरे को भाई वो काम कर दियो जी जी। चबूतरे कहाँ बनाए वैसे ही? सर एक तो ये पंचायत का पास, एक स्कूल के सामने जी, एक पिपले पास। कितना पेमेंट आया था ये रोड के संबंध में? सर कहीं 2.5 लाख का है पेट्रोल। एक सेकंड मोबाइल की कर रहे हैं। हाँ कितना पेमेंट आया था? कहीं 2.5 लाख बता रहे थे। 2.5 लाख रूपए बता रहे थे? हाँ। ये 2.5 लाख रूपए पूरे आपने खर्चे कर दिए चबूतरों में? सर ये तो आप इनसे पूछो साहेब और मंत्री से, ये देखो मेरा तो जब आप जहाँ कहते सरपंच साहब साइन कर दो तो मैं पैसे करवा देता हूँ, और जो भी पेमेंट आता है तो इनके
चाहिए। जी 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 हाँ, मतलब अपना कोई इसमें ये नहीं है कि यार कि ऐसा कि ऐसा कि जा भी जैसे कि तेजा सरकार ऐसा करते हैं। आप सिर्फ उनके कहने पे साइन करते हो? सर मैं तो खैर पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अनपढ़ नहीं हूँ सर, मैं भी जा भी ऐसा कोई तकलीफ होती था। आपको क्या लग रहा है ये बात गलत है या नहीं है, ये रोड जहाँ का आया था वहाँ बनना था या नहीं बनना था? सर वो तो बनना था, पर तकलीफ यही है कि दीवार के साइड में नदी में धर्म जाप कर सकते हो तो मैं वो राशि कैसे में लाके आपको दे दूंगा। वो तो ठीक है, वो हम नहीं करेंगे, आपका काम आप ही करो। पर इस संबंध में आपने अगर रोड स्वीकृत करवाया था उसके पहले आपने उच्च अधिकारी से सर ये इस संबंध में बात करी थी? सर ये इन्होंने करी तो इनको मालूम, सर मेरे को तो नहीं मालूम। जी 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 ये पंचायत में देख रहा हूँ जैसे ताला लगा हुआ है, तो ये ताला खुलता है कि नहीं खुलता है? खोले भी जाता, आधा मंत्री आता है, आधा घंटा घंटा काम मिलता है, चला जाता है, कई दिन आता है कई दिन नहीं आता, ढूंढते ये सारी की डेली। भाई आप लोग को ये कोई प्रेशर तो नहीं करते? कोई प्रेशर नहीं आपने पे भैया, कोई गांव वाले भी नहीं और कोई ये मंत्री। आप क्या नाम लिखते हो? मैं नानू राम नारायण मखवाले और वो भाई का नाम है जाड़ू भाई मखवाले, वो सरपंच प्रतिनिधि। आप सरपंच प्रतिनिधि? हाँ प्रतिनिधि। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।